वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जमाल मुस्तफ़ा की, उनास क्या खूबसूरत टॉपिक था। और अभी तक जो है उसका वो जो एक खुमार जो है ना नबी के हुस्न का, ऐसा था ना, मतलब हम इसको डिस्कस करते हुए ऐसे गुम हो गए थे कि फील ही नहीं हो रहा था कि हम कहां बैठे हुए हैं, क्या बातें हो रही हैं, कहते हैं कि इमोशंस की किस दुनिया में हम लोग पहुंच गए थे। और जब इतना प्यारी जात का जिक्र हो, इतने खूबसूरत नबी का जिक्र हो और उनकी नाज शरीफ प्रोग्राम में ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने खसूसी तौर पर मदू किया है आज कारी मोहम्मद उस्मान कादरी साहब को। कारी साहब खसूसी फरमाइश पर तशरीफ़ लाए हैं और नबी करीम के खूबसूरत शान के बारे में खूबसूरत सा कलाम पेश करें। कारी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं आपके? करम अल्लाह। कारी साहब कौन सा कलाम आज जो है ना आप में बड़ा प्यारा टॉपिक माशाल्लाह। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना प्यारा टॉपिक चल रहा था, मैं काफ़ी देर से माशाल्लाह ये सुन रहा हूँ, आपको भी अलामा साहब को मैंने सुना, शाह जी को जज़ाकअल्लाह। ऐसा एक ये टॉपिक चल रहा था कि मैं वहाँ बैठा हुआ था और मुझे सुन के मज़ा आ रहा था, एक सुरूर वाला माहौल होता है ना, इतना एक ज़बरदस्त, वो कहते ना एक सख्ता सा तारी हो गया था कि फिर मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा इतना एक ऐसा बहुत कम होता है कि कई महाफिल में भी हम जाते हैं ना, उसमें भी ये बहुत नसीब से ये चीज़ मिलती है कि कहीं पे रूहानियत मिल जाए, क्योंकि बहुत कम महाफिल में ये ऐसा सिलसिला होता है। और वो चीज़ आज दिली सुकून आकर यहाँ नसीब हो रहा था, क्योंकि टॉपिक आपने इतना एक हुस्न मुस्तफ़ा के हवाले से आपने टॉपिक सेलेक्ट किया और उस पर फिर जो टॉक की अलामा साहब ने, आपने बहुत ही मज़ा आया। और मैं भी आज उसी हवाले से एक वो बहुत ही प्यारा कलाम है न्याजी साहब का, आपने फरमाया ना कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे, कहते हैं ना जैसे कुछ कलामों के अंदर ना बंदे की रूह कैद होती है, ये उन कलामों में से जिसके अंदर अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरी जैसे रूह इस कलाम के अंदर कैद है, इतना खूबसूरत ये कलाम। तो बिस्मिल्लाह करें ये कलाम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के हवाले के साथ ये जुड़ भी जाएगा कलाम इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम है, ना पता आका तेरे जया कोई नहीं, सानू ते है ना पता आका तेरे जया कोई नहीं, मन माने अरबो अजम देवालिया का तेरे जया कोई नहीं, अरबो अजम देवालिया तेरे जया कोई नहीं। और वही शेर जो आपकी गुफ्तगू में भी शामिल था के गोदी चिले के सरकार नू सोहाने मिठल मन ठार नू आखे हली मासा दिया के
सादिया का तेरे जिया कोई नहीं और रक्सादे विच आका मेरे पढ़ी के नमाज़ा पीछे तेरे सब नबियां ने भी ए हो के आका तेरे जैसा कोई नहीं सब नबियां ने भी ए हो के आका तेरे जैसा कोई नहीं सब खांदे ने आका सदका तेरा तेरे जैसा कोई नहीं सब खांदे ने सदका तेरा तेरे जैसा कोई नहीं या मुस्तफा तेरे जैसा कोई नहीं किन्नू कवां मैं तेरे जैसा तेरे जैसा कोई नहीं। क्या खूबसूरत नात, क्या खूबसूरत कलाम। I mean, आज का प्रोग्राम ऐसा है कि जिसके दौरान मैं और नास लिटरली दो तीन दफ़ा आंसुओं के साथ और नबी की मोहब्बत no words, यार इस पे आज हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आज वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया इस प्रोग्राम। बिल्कुल हमारे नबी की मोहब्बत जैसे दिलों में मुझे लगता नहीं था, हमें कभी भी फील नहीं होता कि शायद हम नबी से इस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब भी नबी का जिक्र मुबारक होता है तो आज खास करके जिस अंदाज में जिक्र हुआ फिर नात सुनी तो बिल्कुल जो है जैसे कहते हैं ना बंदे की सिट्टी गुम हो जाना, आज वो सूरत हाल हमारी रही, बड़ी इमोशनल फीलिंग और बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कि मुझे भूल गया मैंने क्या क्लोजअप देना है, मैंने क्या कहना है, बस मुझे नबी की ज़ात, उनका चेहरा और बस वो तसव्वुर की दुनिया में जो है ना सारा प्रोग्राम आज का थ्रू आउट रहा। बहुत खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी मौके पर हमारे उस्ताद हनीफ कुरैशी साहब अक्सर फरमाते हैं कि तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, और खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा। अपने मेज़बान अमीर हमज़ा और उनास खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।